कांग्रेस के महाधिवेशन के आखिरी दिन पूर्व क्रिकेटर और पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अपने चिरपरिचित अंदाज में महफिल में छा गए और जमकर तालियां बटोरी। नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से माफी मांगी और कहा कि मुझे आपको पहचानने में 10 साल का समय लगा, मैं माफी मांगता हूं, मैंने गंगा नहाली सर, आपके चरणों में सर रखकर, आप सरदार हैं और असरदार भी। मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए सिद्धू ने कहा कि जो आपके मौन ने कर दिखाया वो बीजेपी के शोर शराबा नहीं कर पाया, ये बात मुझे 10 साल के बाद समझ आई। बता दें कि पार्टी के 84वें महाधिवेशन में पेश आर्थिक प्रस्ताव पर बोलने के लिए ज्यादातर वक्ताओं को 3 मिनट का वक्त ही आवंटित किया गया था, लेकिन सिद्धू मंच पर आए और बोले तो करीब 20 मिनट तक बोलते ही रहे। और झुक के झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। सयानों का कहा और आमलों का खाया देर में पता लगता है, मुझे 10 साल बाद पता लगा सर, मैंने गंगा नहाली सर, आपके चरणों में सर रख के, आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर, इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।